हेलो एवरीवन, आई एम सी सबानास. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ अलोंग विद अदर प्रोफेशनल वीडियोज़ माय फर्स्ट वीडियो इज ऑन हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर सी एग्ज़ाम्स नवंबर में आपके एग्जाम्स हैं और सिर्फ एक महीना बाकी है ऐसे में आप स्ट्रेस्ड होंगे कि कैसे स्टडीज़ पर फोकस करें डोंट वरी आई हैव टिप्स नंबर वन सेट स्मॉल टारगेट्स ऐसे टॉपिक्स चूज करें जो 45 मिनट्स या वन आवर में कंप्लीट हो जाए यदि आप बड़े टॉपिक्स ले रहे हैं तो उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर एक एक पार्ट कंप्लीट करें इससे कोई भी टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा नंबर टू टेक ब्रेक्स जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर स्विच करें उसके बीच 10-15 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लें अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए कुछ खा लें या थोड़ा बाहर घूमाएं थ्री अवॉइड स्टिकिंग टू वन बिग टॉपिक फॉर द होल डे जब आप कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक कभी कभी बोरिंग हो जाता है और फिर पढ़ने की स्पीड भी स्लो हो जाती है बेटर है कि आप वो बड़ा टॉपिक अप्रॉक्स वन आवर पढ़ें फिर छोटे से ऐसे टॉपिक पर स्विच करें जो कि इंटरेस्टिंग हो और आप जिसे फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में कंप्लीट कर पाएं इसके बाद आप वापस अपने पहले वाले टॉपिक पर आ जाए इसके दो फायदे हैं एक कि आप उस बड़े टॉपिक से बोर नहीं होंगे और दूसरा आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने बीच में छोटा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है नंबर फोर अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम की सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस है मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया तो आप पढ़ते टाइम अपने फोन दूर रखें और यदि इम्पोर्टेंट ना हो तो उसको साइलेंट मोड पर रखें और एक ऐसी जगह पढ़ें जहां ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो नंबर फाइव स्टडी टुगेदर बट नॉट इन ग्रुप्स सही सुना आपने अब इसका मतलब भी समझिए जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं तब चांसेस हैं कि कोई टॉपिक निकल आए और आप सब गॉसिप में लग जाए बट ये अवॉइड करने के लिए आप अपने अपने घर या हॉस्टल में सेम टॉपिक सेम टाइम में पढ़ सकते हैं और टॉपिक कम्प्लीट होने के बाद उसकी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पर इससे आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आपको ये फील भी नहीं होगा कि आप अकेले पढ़ रहे हैं नंबर सिक्स मेक नोट्स ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप किसी भी फॉर्म में नोट्स बनाइए लाइक चार्ट्स टेबल्स बुलेट्स एप्रीविएशन्स ये नोट्स आपको रिविजन में भी हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम्स के टाइम जब सिर्फ एक दिन का गैप मिलता है वहाँ भी नंबर सेवन रिवीजन एग्जाम के पहले जितना रिवाइज कर सकते हैं करें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला याद रखने के लिए बनाए हुए एब्रीविएशन्स ड्यू डेट्स ये सब अच्छे से रिवाइज करें नंबर एट टेक केयर ऑफ योर जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे कुछ ठीक नहीं रहेगा इसलिए अच्छा खाएं पानी पिए सोएं खुली हवा में घूमें और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें इफेक्टिव स्टडी के लिए कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहना होगा आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू इन स्टडिंग इफेक्टिवली इफ यू लाइक द टिप्स शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब